हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एकादशी, आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले। और आज मैं आ गई हूँ शॉपिंग, और एक्चुअली क्या था ना कि नए कपड़े चढ़ाने चाहिए तुलसी जी को, तो वो था नहीं, और नए कपड़े पहनना भी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह से पहनते भी हैं, तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं सोची कि जाके जल्दी से लेके आती हूँ। और ये देखिए, मैं ले रही थी टी शर्ट, देख रही थी, वहाँ मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कपड़ा ले लेते हैं जो आज पहन इतनी सारी शॉपिंग कर ली। तो आज मैं ना विशाल आई थी, विशाल मेगा मार्ट मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, और फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा, तो मुझे काफ़ी सारे कलेक्शन जो थे वो अच्छे लगे, और काफ़ी तो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, क्योंकि थोड़ा मुझे ये रहता है कि जो विशाल के क्लॉथ रहते हैं वो अच्छे नहीं निकलते हैं। पर ये है कि आप डेली यूज़ के पर्पज़ से और जो वैसे हैं आप ले सकते हो, कभी कभी ऐसा नहीं है, बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छे कलेक्शन लग रहे थे मुझे। तो मैंने मुझे लेना तो एक दो ही था, पर हाँ मैं तीन चार लेके आई, एक जैकेट लेके आई, तो काफ़ी सारी ले लिए। ये बोले तुम एक लेके आई हो, और काफ़ी क्या हुआ ना, हम लोग को टाइम भी लग गया, और पूजा का टाइम जस्ट ही है कि यहाँ से हम जल्दी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि साइज से किसी विवाह भी करना है, तो अभी यहाँ पे ना बहुत लेट हो गया, और ट्रैफिक तो जानते हैं, सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया, और संडे भी, मतलब ट्रैफिक तो रहता ही है रोड पे, अगर आप निकल जाओ ना तो हमेशा रहता ही है। तो मैं यहाँ से जल्दी से जाऊँगी फटाफट से, जो जितना भी जो विवाह की तैयारी होगी, क्योंकि प्रसाद भी बनाना रहता है, हलवा पूड़ी हमारे यहाँ बनाते हैं, खीर नहीं बनाते हैं क्योंकि राइस का है, राइस का आइटम नहीं बनाते हैं, तो ये सब मुझे करना रहेगा। तो मैं फटाफट से, कुछ तैयारी तो मैं कर ली थी पर कुछ नहीं कर मोटे मन से आपसे क्या मतलब है, मोटी तो रहने दो। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ से आई, काफ़ी लेट हो गया था और साइड के अंदर ही करना था, तो जल्दी जल्दी मैं फटाफट से ये तैयारी की, और कुछ तैयारी करके गई थी मैं जल्दी में, बिल्कुल नहीं शेयर कर पाई ये सब आप लोगों से। तो मेरा ध्यान ना पूरा पूजा पे था कि मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, तो मैंने फटाफट से पूजा किया, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ, और क्या है ना कि प्रणव की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरा मन ना उधर भी था, हम लोग को दवा भी लेनी थी, और वहाँ चले गए तो थोड़ा टाइम भी लग गया, तो इसलिए थोड़ा सा मन जो है ना वो उदास भी हो गया था। और फटाफट से मैं जल्दी जल्दी पूजा पे बैठ गई, तो मैं और चीज़ें नहीं शूट कर पाई थी, अब बाद में नेक्स्ट कुछ भी करूँगी तो शूट करूँगी। और मैं फटाफट से बस तैयार हुई और पूजा में लग गई, तो मैं यहाँ पे जो थोड़ा बहुत था मैंने इनसे बाद में बोला कि प्लीज़ थोड़ा सा शूट कर दो, क्योंकि मैं पूरा ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई हूँ। और ये मेरा जो तुलसी विवाह होता है वो अच्छे से हो गया, साइड के अंदर हो गया, तो उस बात की बहुत खुशी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लग रहा था कि ये सब जब कर रही थी तो मैं वो सब नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि याद ही नहीं आया, फटाफट से क्या हुआ ना कि पूजा पे बैठ गई, सोचे थे कि करेंगे, प्रणव से बोल देंगे करता रहेगा, या तो इनसे बोलेंगे करता रहेगा, लेकिन टाइम का इतना ज़्यादा वो था ना कि टाइम के अंदर ही करना है, तो इस चक्कर में मैं बोली कि भाई पूजा ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रणव की तबीयत ठीक भी नहीं थी, तो इसलिए जितना हो सका उतना मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर बताएगा कि कैसा लगा तुलसी विवाह का ये मेरा ब्लॉग आप सबको, और आप लोगों की अच्छे से तुलसी विवाह हो गई कि नहीं हो गई, ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो जो भी है आप लोगों के सामने ही है, जैसा भी हुआ मैंने कर लिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे बहुत जल्दी जल्दी था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था इस वजह से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार शारम भुजगेन्द्रहारम सदावशन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धोच शखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तुलसा महाराणी नमो नमो शंतन की प्यारी नमो नमः तुलसा महाराणी नमो नमो शंतन की प्यारी नमो नमः। तो हमसे जितना हो सका हमने उतनी कोशिश की कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो मैंने अच्छे से कर लिया है पूजा। और तुलसी विवाह की आप लोगों को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।